बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हसन 28 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हिंदी से ज्यादा साउथ इंडस्ट्री में एक्टिव श्रुति अपने करियर की शुरुआत से ही अलग अलग तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ी थी। ज्यादातर एक्ट्रेस ब्यूटीफाई करने वाले सर्जरी की खबरें छिपाते हैं, लेकिन श्रुति एक इंटरव्यू में खुद कबूल लिया था कि उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। ये खबर कई दिनों तक सुर्खियों में छाई रही थी। श्रुति हसन अपनी तमिल फिल्म योगो की शूटिंग के वक्त कुछ तस्वीरें लीक होने की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी। श्रुति अपनी फिल्म के लिए डिम्पल डिम्पल नाम से गाना शूट कर रही थी। इस दौरान उनके कुछ बोल्ड तस्वीरें लीक हो गई। ये तस्वीरें रातों रात ऐसी वायरल हो गई कि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली तस्वीर बन गई है। श्रुति अपनी एक बोल्ड फिल्म पोस्टर पर विवाद आ गया था। उन्होंने फिल्म डीडे के एक वेश्या का किरदार निभाया था। इस फिल्म के पोस्टर रिलीज होते ही विवादों में आ गया था, जिसमें वह एक्टर राजू रामपाल के साथ अपमानजनक पोज दे रही थी। बोल्ड पोस्टर्स के अलावा श्रुति ने फिल्म इंटीमेट सीन भी दिए थे। श्रुति हसन एक बार फिर स्पॉट बॉय में वैसे सुर्खियों में आई थी। स्पॉट बॉय का कहना था कि वह श्रुति हसन के घर के पास अपने भाई के लिए नौकरी मांगने गया था, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ कह पाता श्रुति ने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक स्पॉट बॉय श्रुति के कुछ सवाल उससे कोई पहचान नहीं रहा था। उसने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन एक्ट्रेस ने धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया था। PM News 24 की रिपोर्ट।